अगर दोस्तों आप भी फोटो पर से इमोजी रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो कुछ इस तरह से आप इमोजी हटा सकते हो। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप फोटो से इमोजी रिमूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फोटो पर से इमोजी रिमूव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च पर क्लिक करके सर्च करना है पिक्सल लैब। अब दोस्तों, जैसे ही आप पिक्सल लैब सर्च करते हो, लाइट ब्लू कलर में आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। मैंने पहले से ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, सो दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से अब इस ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों, यहाँ से ऊपर आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, प्रॉम्प्ट गैलरी पर जाना है, और यहाँ पर अब आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर से आप इमोजी को हटाना चाहते हो। तो चलिए यहाँ से मैं इमोजी वाला फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इस फोटो को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इन ऑप्शंस पर आपको राइट की तरफ स्क्रॉल करना है, और थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है इरेज कलर। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से इसे ऑन करना है, और ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ से दोस्तों ड्रॉपर का आइकॉन यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है, और ये जो यहाँ पर ड्रॉपर है इसे आपको इमोजी के येलो कलर पर सेट करना है, और जैसे ही आप सेट करते हो, सेट करने के बाद राइट टिक पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर टॉलरेंस नाम का एक ऑप्शन है, इसे आपको राइट की तरफ पूरा बढ़ाना है। टॉलरेंस को बढ़ाने के बाद यहाँ पर इमोजी थोड़ा सा रिमूव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद टॉलरेंस के नीचे ही आपको स्मूथ एजेस का एक और ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी आपको पूरा बढ़ाना है। फोटो पर से 90% तक इमोजी रिमूव हो चुका है, तो चलिए इस फोटो को गैलरी में सेव कर देते। और फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ से आपको SD कार्ड के आइकॉन पर क्लिक करना है, और सेव एज इमेज पर क्लिक करके इसे गैलरी में सेव करना है। ये फोटो आपको गैलरी में मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी की तरह और वीडियोज आपको मिलती रहे।